अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सनराइज मैथमेटिक्स लेवल 3 यूनिट 9 मनी. तो स्टूडेंट्स, मनी क्या होता है? मनी कहते हैं पैसों को, ठीक है, रुपीज़ को, पैसों को. तो हर कंट्री की डिफरेंट मनी होती है, ठीक है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर और पाकिस्तान में रुपया, पैसा, इस तरह, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूनिट 9. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी, एडिशन ऑफ मनी, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, मतलब मनी को ऐड करना और सब्ट्रैक करना, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है. एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के वर्ड्स प्रॉब्लम भी हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी. नेक्स्ट, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी, डिवीजन ऑफ मनी, ठीक है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी की, डिवीजन ऑफ मनी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन ऑफ मनी. तो सर, अब हम स्टार्ट करते हैं. ओपन द पेज नंबर 104. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन विद बोरोविंग. तो स्टूडेंट्स, अब हमने बोरो लेके हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. तो सब्ट्रैक्शन करनी है 24.85 को फ्रॉम 49.35, ठीक है. 49.35 में से हमने 24.85 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम रीड कर लेते हैं. सब्ट्रैक्शन विदाउट कन्वर्जन विद बोरोविंग इज डन इन टू स्टेप, ठीक है. दो स्टेप होते हैं, विद द ग्रेटर अमाउंट अबव एंड द स्मॉलर अमाउंट बिलो द सब्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग वे. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, स्मॉलर अमाउंट को नीचे लिखना और ग्रेटर अमाउंट को ऊपर राइट करना. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब हम 49.34 पैसा, रुपीज़ और पैसा, वैसे हमने हेडिंग दे दी, ठीक है. इसमें हमने ग्रेटर अमाउंट राइट कर ली और फिर नीचे जो हमारी सेकंड जो वैल्यू होगी वो हमने स्मॉलर अमाउंट है. 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 1 यहाँ पे बोरो लेंगे, ठीक है, 14 हो जाएगा ना. 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने बोरो लिया था, ठीक है ना, यहाँ 2 रह जाएगा ना. तो स्टूडेंट, 2 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसमें से अब 7 वाली अमाउंट से हम यहाँ पे बोरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12. 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 12 में से जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है. उस तरह यहाँ पे रह जाएगा 8. 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2. तो स्टूडेंट्स, अब हम देख सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम इसी तरह है, बोरोविंग वाला. फाइंड द डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स, 1 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम 8 में से 1 को, 8 में से 1 मतलब नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 ले लेंगे ना, ठीक है. तो ये 11 हो जाएगा. 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा. तो यहाँ पे स्टूडेंट 7 रह गया था ना, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा. पॉइंट एज इट इज़. 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2. 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं. 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किए 2. 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 रह जाएगा. यहाँ से हम यहाँ पे बोरो ले आएंगे तो ये हो जाएगा 13. 13 में से 9 गया तो स्टूडेंट्स कितने रह जाएंगे, 10, 11, 12, 13, 4, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, पॉइंट एज इट इज़. 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1. 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 5 और 1 एज इट इज़. तो स्टूडेंट, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स इसी तरह होंगे, ठीक है. आपने अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर के तमाम पार्ट सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है. सीवर्क के साथ भी आप क्वेश्चन नंबर भी देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है इसको हमने. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में नोटबुक पे मैंने आपको राइट करने को कहा था, तो क्वेश्चन नंबर भी ये भी आपने नोटबुक पे ही राइट करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपीज़ 27.85 फ्रॉम 30.48, ठीक है. आपने याद रहे कि फ्रॉम लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब इस वैल्यू में से, सेकंड वैल्यू में से हमने फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लिया. तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन है ये इसका. अब स्टार्ट करते हैं रुपीस एंड पैसाज में. हमने इसको पहले राइट करना है, ठीक है. हेडिंग देनी है रुपीस की और पैसाज की. तो स्टूडेंट, याद रहे हमने क्या कहा था, फ्रॉम मतलब इस वैल्यू से, फर्स्ट सेकेंड वैल्यू से हमने फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. ग्रेटर अमाउंट ये वाली है ना. तो स्टूडेंट, इसमें से हमने सेकेंड वाली अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टूडेंट, रुपीज़ है 30 रुपीज़ एंड 45 पैसा. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह 27 रुपीज़ एंड 85 पैसा. तो स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट का ये क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन राइट कर लिया. 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0. 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, 0, 7 वाली वैल्यू से एक मतलब नंबर बोरो ले लेंगे तो 0 है, यहाँ से नहीं आ सकता तो हम यहाँ से
टू इसमें कन्वर्ट करेंगे ये 10 हो जाएगा, फिर हम 10 से 10 को कट 10 में से वन नंबर लेके इसमें 41 ऐड कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट पॉइंट का पॉइंट, तो स्टूडेंट 9 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 रह गया था ना, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये आंसर आ जाएगा 2.60, मतलब 2 रुपीज़ एंड 60 पैसा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह हम इसको रुपीज़ और पैसाज में राइट करेंगे, ठीक है। हेडिंग देंगे रुपीज़, हमने क्या करना है इस अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रुपीज़ 56 एंड 25 पैसास। तो स्टूडेंट्स 37 रुपीज़ एंड 95 पैसास। तो स्टूडेंट्स इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम उसी तरह 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो स्टूडेंट्स एक यहाँ से यहाँ 5 रह जाएगा, 1 यहाँ पे बोरो लेंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, 11, 12 3 रह जाएगा पॉइंट का पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब हम 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में से जब हम 7 को प्लस करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 18.30। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ए आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर बी के तमाम पार्ट्स आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।